अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में देर रात फायरिंग की घटना सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में 6 लोगों को गोली लगी है जिनकी नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमलावर कौन था, उसने फायरिंग क्यों की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ। वॉशिंगटन डीसी पुलिस के मुताबिक मास शूटिंग की घटना कॉम्प्लेक्स में हुई है। हमलावर ने NFU के 1500 ब्लॉक में स्थित बनी कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। डीसी पुलिस ने बताया कि वीकेंड पे पिछले 12 घंटों में हुई 6 घटनाओं में 11 लोगों को गोली मारी गई है। गन सेफ्टी के लिए एडवोकेसी ग्रुप इनकाउंटर द्वारा विश्लेषण की के आंकड़ों के अनुसार इस साल तक US में बच्चों द्वारा अनजाने में कम से कम 150 गोलीबारी घटनाएँ हुई हैं। 68 की मौत और 99 घायल हुए। इस महीने की शुरुआत में 8 वर्षीय लड़के की उसके 5 वर्षीय भाई से अफ्स के घर में गोली मारकर हत्या कर दी। बीते महीने में एक मोटल में 8 साल के लड़के ने गलती से 1 साल की बच्ची को गोली मारकर हत्या कर दी और 2 साल की बच्ची को घायल कर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरें के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।